हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सीए इंटर मई 24 एग्जाम का पेपर लेवल देख के मन में एक सवाल आया कि क्या आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ना सही होगा। आपके मन में भी ये सवाल कहीं ना कहीं आया होगा, क्योंकि हमको यही सिखाया जाता है कि हम आईसीआई मॉड्यूल से क्वेश्चन करें, हम एमटीपी आरटीपी का सारा क्वेश्चन कर ले तो हम पास हो जाएंगे। लेकिन इस बार मैंने एडवांस अकाउंटिंग, सीए इंटर लॉ और टैक्सेशन का तीनों पेपर लेके और आईसीआई मॉड्यूल उठा के आरटीपी एमटीपी सब कुछ देख रखा। देख के मुझे एक मतलब ऐसा हुआ कि बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो बच्चे जिसके पास पैसे नहीं है, जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो आईसीआई ने हमको बुक्स दे रखा है पढ़ने को। अब वो बुक्स है, फिर आईसीआई हमसे मॉक टेस्ट पेपर लेती है, आरटीपी लेती है, जो कि पहले रेलेवेंट था। लेकिन जब से हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, उस सिलेबस चेंज के बाद अभी ये पहला एग्जाम था। इस पहले एग्जाम में ऐसे ऐसे चीजें देखने को मिली कि अब हम ट्रस्ट, आई डोंट बिलीव दिस, कि मुझे कहना पड़ रहा है कि आईसीआई मॉड्यूल पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आप पूरा वीडियो देखना, एडवांस अकाउंटिंग वो क्या बोलते हैं लॉ का और टैक्सेशन का, मैं तीनों का रिव्यू लेके आई हूँ। उसमें से हम समझेंगे कि कैसे हम आईसीआई मॉड्यूल पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। एडवांस अकाउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन नंबर वन, जो हमारा कंपलसरी होता है करना, मैंडेटरी होता है, AS16 से आया था 7 मार्क्स का। देखो ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन ये हमको आईसीआई मॉड्यूल में दिखा, जिसका दिखा लेकिन लेंदी दे दिया था। उसमें बहुत सारा जैसे पार्ट में, 4 पार्ट में पूछे थे, उसके जनरल इंटरेस्ट बनाने थे, सब कुछ करना था, तो ये लेंदी था। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। AS16 सिर्फ और सिर्फ यही हमको आईसीआई मॉड्यूल में दिखा, और कुछ नहीं दिखा। फिर AS2 7 मार्क्स का आया था, इसका तो ये सीए फाइनल लेवल का क्वेश्चन था गाइस। इसमें आप आईसीआई मॉड्यूल में मैंने देख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने आरटीपी एमटीपी जो भी दे रखा है उसमें देख लिया, कहीं ये क्वेश्चन हमको दिखा, मतलब इस लेवल का कुछ भी नहीं दिखा। मतलब AS2 में ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट के क्वेश्चन मतलब डाल दिए थे सब कुछ, उसमें कॉन्सेप्ट ये क्या है। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं आईसीआई मॉड्यूल से, हम लोग एमटीपी देते हैं, मॉक टेस्ट पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन हमको देखने को नहीं मिला, जो कि हमारा टेस्ट होता है, हमारे एग्जाम से पहले टेस्ट होता है। अभी आप जो एमटीपी जो हमको लेके आके देते हो, तो आईसीआई मॉड्यूल से ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके दे देते हो, लेकिन क्वेश्चन में आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल देते हो जब जो कि बच्चा प्रैक्टिस भी नहीं किया रहता है। दिस इज अ नॉट डन, ये बहुत गलत है। अगर आपको इस लेवल का पेपर लेना है तो आपको उस लेवल का एमटीपी लाना होगा, उस लेवल का क्वेश्चन आप आईसीआई मॉड्यूल में डालिए। आप लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाह रहे, सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, जानते हैं, सिर्फ मेहनत करते हैं तो हमारा क्वेश्चन पेपर बनाने में, ऐसा क्यों। अब ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया बच्चे, हम लोग सिंपल सिंपल AS2 का क्वेश्चन करके जाते हैं, फिर ठीक है यहाँ पे फंस गए। उसके बाद आया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का था 14 मार्क्स का, सब कुछ ठीक था जितने जिसने पढ़ा होगा। अब इसमें एक जो वो आया था, एक पॉइंट उसमें दे दिया था ऑन डिवेंचर कैंसिलेशन का, जो कि बाय बैक के कोई क्वेश्चन में ये इस टॉपिक का कुछ मतलब है कॉन्सेप्ट ऑन डिवेंचर कैंसिलेशन का। तो मतलब अगर आपको ऐसे, मैं मानती हूँ सीए का सीए पेपर है, सीए हार्ड होता है, सब कुछ मैं मानती हूँ कि आपको ऐसे पेपर देने चाहिए, बट आपको उस माइंडसेट से बच्चों को रखना चाहिए ना। हमको एमटीपी आप उतना हार्ड लेके आइए जो कि बच्चा हमेशा वो रहे, प्रिपेयर रहे कि नहीं हार्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। हमारे आईसीएम मॉड्यूल में वैसे क्वेश्चन आप डालिए जो कि प्रैक्टिस रहे, जो कोचिंग कर रहा है ठीक है, जो कोचिंग किया भी होगा ना उसको भी ये चीजें, क्योंकि सीधा सीधा हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, हम लोग दो कॉम्बो चैप्टर नहीं पढ़ते हैं कि बाईबैक और इंटरनल कंस्ट्रक्शन का एक ही साथ हम लोग कॉन्सेप्ट करके क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। कोई टीचर नहीं बताता होगा, आप कहीं भी कोचिंग करते होंगे तो। जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं तो उसका तो बात ही छोड़िए आप। फिर AS7 का 7 मार्क्स का आया था क्वेश्चन, ठीक है नॉर्मल था। AS3 का भी जो भी था थोड़ा लेंदी था, मिला जुला के लेंदी तो था, लेकिन जो आपने एक एक टॉपिक डाल दिया उस टॉपिक से क्या होता है ना कि बच्चे कुछ नहीं कर पाया। अब वो जैसे होता है ना कि हमारा फ्लो ही खत्म हो गया, एक टॉपिक नया आने से हम पूरा भूल गए, पूरा टॉपिक मतलब ऐसा होता है कि स्टेप मार्किंग तो है लेकिन स्टेप भी तो सही होना चाहिए ना, एक टॉपिक की वजह से हम सारा स्टेप भी गलत हो जाता है। फिर ये हमारा ये 14 नंबर का आया था, फिर कंसोलिडेशन का आया था 14 नंबर का क्वेश्चन। इसमें रिवैल्यूएशन डाउनस्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट था, एक नया कॉन्सेप्ट इसमें लाया गया अकाउंटिंग पॉलिसी का, जो कि एक अमालगमेशन में एक क्वेश्चन में ये वाला पॉलिसी का पॉइंट है। आप मतलब इसमें यही है, यही दिया हुआ है, मतलब बहुत एक मतलब एक अच्छा बना हुआ है, ठीक है। मैं मानती हूँ कि ये पेपर सीए के हिसाब से ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन आपको इस जो भी आपने क्वेश्चन दिए तो आपको आईसीआई मॉड्यूल एमटीपी पे डालना भी तो होगा ना। कैसे कोई किसी को समझ में नहीं आता, आप एमटीपी रिलीज करते हो, जो मॉक टेस्ट पेपर है हमारा, उस लेवल से हम लोग हमारा मॉक अच्छा जाता है, बट हमारा पेपर अच्छा नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे मॉक टेस्ट पेपर में आपने पूरा आईसीआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन दिए थे और इसमें कुछ मैच नहीं कर रहा है। अरे ठीक है, मैं मानती हूँ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर तो सब हो जाएगा, प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए, नया कॉन्सेप्ट कहीं भी गुजार दे रहे हो आप लोग। फिर AS19 का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, डिविडेंड रूल्स था ये 4 मार्क्स का, और ये फॉरेन ब्रांच का ऐसा क्वेश्चन दिया है जो कहीं भी नहीं है ना, एमटीपी आरटीपी कहीं भी नहीं है गाइस। तो इन लोगों का तो ये हाल है,
मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि हम लोग को आईसीआई मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी पे बिलीव करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। क्या क्या करेंगे आगे, हम आगे समझते हैं, पहले सीए इंटर लॉ का समझते हैं। देखो इसमें मैं बोलूंगी कि ठीक है, इसमें मतलब अच्छा खासा आ सकता है, लेकिन पेपर बहुत लेंदी था। 55 मार्क्स का कंपनीज एक्ट का, फेमा से आया था आपका 8 मार्क्स का, जीसीए से आया था 8 मार्क्स का, आईओएस का चैप्टर में से आया था 8 मार्क्स का, और एलएलपी का 10 मार्क्स का, 89 मार्क्स का। आप बोलोगे 30 मार्क्स का तो एमसीक्यू, अरे नहीं, ये 89 मार्क्स है जो हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन आता है उसको लेके, तो इतने का। इसमें क्या है, इसमें भी बहुत लेवल हार्ड कर दी, जो जो एमसीक्यू आए थे वो बहुत ट्रिकी आए थे, थोड़ा सा बहुत टाइम लग गया था उसमें। तो ठीक है, जैसा भी है, लेकिन आप हमारे आईसीआई मॉड्यूल को चेंज कर दीजिए, उस हिसाब से जैसे आप क्वेश्चन लेना चाहते हैं उस हिसाब से हमको पढ़ने का, जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं उसके लिए थोड़ा सोचा जाए इसमें। फिर उसके बाद सीए इंटर टैक्सेशन में एमसीक्यू पार्ट का मतलब ट्रिकी बहुत क्वेश्चन था। फिर इनकम टैक्स में, इसमें भी बहुत न्यू कॉन्सेप्ट डाले हुए थे, कहीं का कहीं डाल दिया था। देखो पहले भी होता था इनकम टैक्स में, तो हम कंप्यूटेशन जो भी टैक्स बनाते हैं तो हमारा फाइव फैक्टर सब कुछ आता है, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट रहे जो कि हमने पढ़ रखा है, एकदम नया कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसा है कि हमने कॉन्सेप्ट समझा है लेकिन उसमें आपको दिमाग लगाना है कि नया कॉन्सेप्ट तो समझा है कि, लेकिन हमको इस नए कॉन्सेप्ट में कितने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे आईसीआई कह रहा है। फिर जीएसटी का नॉर्मल था, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जीएसटी का थोड़ा आपको, जीएसटी पर अगर ज्यादा फोकस करेंगे, 50 मार्क्स का हो गया है तो हमारा टैक्सेशन का पेपर इजिली निकल सकता है। उसके बाद मेरा क्या सजेशन है गाइस, कि देखो आप सिर्फ और सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल और आरटीपी एमटीपी करके एग्जाम देने जाएंगे तो आप बुरा फंसेंगे, रियलिटी बता रही हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, जितना हो सके इतना कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि हर कॉन्सेप्ट पे आप खुद से क्वेश्चन बनाओ, आईसीआई यही कह रहा है, सही बता, क्योंकि वो तो आप क्वेश्चन देने वाले हैं नहीं, आप जो भी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करिए, अपने से क्वेश्चन भी बनाना स्टार्ट करिए, उस लेवल तक सोचिए जहां तक आईसीआई सोच रहा है। अब ये पॉसिबल तो नहीं है, और सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप कोचिंग बिल्कुल भी करिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी से अब नहीं होने वाला है, क्योंकि अब हमारा मई 24 का एग्जाम देके यही लगा कि हमारा सेल्फ स्टडी से कुछ नहीं हो सकता है लिटरली। अगर आप ढंग से सीए करना चाहते हैं, सीरियसली करना चाहते हैं सीए, तो आपको कोचिंग लेना ही पड़ेगा, नो एनी ऑप्शन, क्योंकि अगर हम लोग यूट्यूब से कई कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, मान के चलिए हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है ना, हम अगर बहुत अच्छे टीचर्स जो भी हैं, जो आपके फेवरेट हैं, आपको उनकी बातें समझ में आती हैं, उनका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो जो टीचर लोग हैं तो थोड़ा सा कॉम्बो क्वेश्चन हमारी क्लास में कराते हैं कि जिस लेवल का है। मेरे जो फेवरेट टीचर थे वो ये हैं, मेरे फेवरेट टीचर थे सीए जय चावला, क्योंकि वो मेरे इसलिए फेवरेट है क्योंकि वो इतना मतलब कॉन्सेप्ट इतना अच्छे समझाते हैं कि ऐसा होता है ना कि एक बार कॉन्सेप्ट समझा दिया तो बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है। तो हमको कोचिंग जरूर लेना है, वो कैसे भी लेना है, देखो अब नहीं हो सकता, आप ये सोचिए कि सीए में आए तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा करना पड़ेगा, अब ये भी नहीं करना है कि फीस कम है तो हम कहीं भी घुस जाए, ऐसा नहीं। आप पहले टीचर को पढ़िए, मतलब टीचर को आप जैसे डेमो क्लास मिलता है तो डेमो क्लास जरूर ले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई टीचर मतलब अच्छा, देखो सारे टीचर अच्छे होते हैं लेकिन कोई कोई टीचर पढ़ाते ना तो इरिटेटिंग जैसा लगने लगता है वो, मतलब सबका नहीं होता है लेकिन कुछ कुछ का होता है, तो वैसे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, फिर सस्ते के चक्कर में ले लिया फिर आप उसमें फंस जाएंगे, तो इसीलिए अच्छे से मान लीजिए आपको जो भी टीचर का समझ में आता हो आप उनका करिए, लेकिन करना जरूरी है, क्योंकि नहीं करेंगे तो आपका सीए निकलना बड़ा मुश्किल हो गया अब के टाइम में, मैं सही बता रही हूँ। फिर उसके बाद अभी के टाइम में आप कोई चैप्टर कोई क्वेश्चन ऐसा मत करिए कि ये चैप्टर करना है वो चैप्टर करना है, मैं खुद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या चैप्टर बताती हूँ, अब इस पे ट्रस्ट करना बिल्कुल भी बेकार चीज हो गया है, क्योंकि अभी आईसीआई आप देख रहे हैं कि कोई चैप्टर का कॉन्सेप्ट कोई क्वेश्चन में डाल दे रहा है, तो अगर कोई एक आप छोड़ देते हैं उसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट कोई चैप्टर में डाल देता है तो आप फंस जाएंगे पूरा, क्योंकि एक नया टॉपिक से हमारा पूरा फ्लो ही खत्म हो जाता है, हम पूरा एंड तक अपना सही आंसर नहीं लिख पाते हैं, तो आप कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सब पढ़ना होगा, कुछ भी इसको एक्सेप्ट करिए और तब सीए बढ़िया से करिए। अगर आपने अभी तक कोई कोचिंग नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, तो आप सेप्टेम्बर में एग्जाम मत दीजिए, मैं सही बोल रही हूँ, ये हार्श लग रहा होगा लेकिन सही बताए, आपने पूरा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से आपका क्लियर है तो जाके एग्जाम दीजिए, अगर आपने उस हिसाब से उस लेवल का एग्जाम प्रैक्टिस किया है तो जाइए, अगर सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल किया है तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि अब कोई भरोसा नहीं है आईसीआई का, आपको बहुत अच्छे से ये हमारा जो सिलेबस चेंज हुआ है उससे हमारा सीए टफ हो गया है, इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो 6 से 8 कर दिए हैं लेकिन यही 8 से 6 कर दिए हैं, यही 6 सब्जेक्ट निकालने में लोगों का हालत खराब है, इस बार का देखिएगा जो हमारा रिजल्ट होगा ना, ये क्योंकि हार्ड पेपर है तो सबके लिए ही आया होगा, बहुत अच्छे से सेट होगा देख, ठीक है। तो चलिए हम लोग आईसीआई से प्लीज यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा एमटीपी का जो क्वेश्चन है उसको चेंज करें, कॉपी पेस्ट करके ना दे प्लीज आईसीआई, और हमारे मॉड्यूल का क्वेश्चन चेंज करें, अगर क्योंकि हमारे मेंबर्स ही सब लोग बोलते हैं कि आप लोग फालतू का कोचिंग करते हैं, अरे तो ऐसे आप दीजिए भी, तो इतनी मतलब कैसे आप अपने हिसाब से सोचते हैं कि हम आईसीआई मॉड्यूल में कुछ और ही क्वेश्चन डाले हैं, हम दे कुछ और रहे हैं, एमटीपी हम कुछ और दे रहे हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर से कुछ मैच ही नहीं कर रहा है,
आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बच्चों को दे रहे हैं। आप लोग अपने हिसाब से पेपर सेट करते हैं क्या? आप लोग इंटेलिजेंट है, सब लोग नहीं है भैया। तो प्लीज इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा चेंज करिए आईसीआई मॉड्यूल को, जो हमारा पहले था वही कॉपी पेस्ट करके दे दिया है आपने। सिलेबस सब कुछ चेंज तो कर दिया, लेकिन सारा क्वेश्चन वही उठा के कॉपी पेस्ट करके दे दिए हैं, ये सही नहीं है। प्लीज अगर आप इतना टफ पेपर ले रहे हैं तो हमारा मॉक टेस्ट पेपर भी उस हिसाब से लीजिए। आईसीआई का क्वेश्चन उठा के एमटीपी में दे देते हैं, बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत मजा आ जाता है, अरे वाह एमटीपी में तो बहुत अच्छा मार्क्स आ गया, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं आया। फिर तो ये रिक्वेस्ट है हमारे हम लोग का, प्लीज उस चीज को चेंज करिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जो मैंने कुछ गलत अगर बोला हो तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने कहाँ पे क्या गलत बोला है, क्योंकि मैं ये पेपर रिव्यू करके बताई हूँ कि आईसीआई मॉड्यूल से हमको कोई क्वेश्चन इस बार के May 24 का क्वेश्चन हमको दिखा नहीं। मुझे यही समझ में आया पूरा पेपर देखे कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना जरूरी है। बाकी आप लोग अपना सजेशन मुझे दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।